नमस्कार दोस्तों, मैं आराध्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसे देख के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं उनके लिए आराध्या आप लोगों से बोलती हैं दिल से धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना। अगर आप मिस कर दोगे तो देखोगे कैसे, जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो ससुराल से शादी में दुल्हन के लिए जाता है, तो वही आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे सामान पसंद आएंगे। तो दोस्तों, मैं बारी बारी से आप लोग को दिखाऊँगी। तो इस समय आप लोग को पता चल ही गया कि मैं कहाँ से आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं अपने घर के पीछे से बात कर रही हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से है, चारों तरफ आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो देखो निकल आई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो ये अमरूद का पेड़ है ना, ये भी सारी पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन हो गई हैं और इसमें जो है अमरूद भी खड़े हुए हैं, तो बहुत ही अभी छोटे छोटे हैं, खा नहीं सकते। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं तो यहाँ रहूँगी नहीं, तो इसे मेरा भाई ही खाएगा छोटा वाला, क्योंकि वो वही यहाँ रहता है। पापा भी चले जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे, सिर्फ वही रहेगा, मम्मी रहेंगी, वो रहेगा, तो वही खाएगा। और हम लोग इसे इतने छोटे छोटे देख के तरसते ही रह जाएंगे। वैसे मिलता तो है मार्केट में, लेकिन जो अपने घर का होता है कुछ और ही होता है, और जो बाज़ार का होता है कुछ और ही होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। सच में जो घर का होता है उसका स्वाद अलग होता है, जो बाज़ार का होता है उसका अलग होता है, आप लोग को भी पता होगा, है ना। हाँ दोस्तों, हम कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। तो क्योंकि आज मैंने पहना है पिंक वाला, आप लोग को पता है पिंक मेरा फेवरेट है, पिंक हमारे ऊपर अच्छा भी लगता है। ये देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना, और अगर मैंने कुछ अच्छा बोला है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं आप लोग कमेंट का इंतज़ार करती रहूँगी, और आप लोग भी हमारे जो है रिप्लाई का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैं दे नहीं पाती। क्या करूँ यार, बच्चे हैं छोटे छोटे, इसी में बिजी हो जाते हैं। और हाँ, काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि भाभी आप कपड़े कैसे पहनती हो, कम से कम भाई की शादी है तो अच्छे से कपड़े पहना करो ना। तो दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, किसी के साथ नहीं खेलता, किसी के पास जाता नहीं है, तो मैं कपड़े कैसे चेंज करूँ। मैं यही सोचती हूँ कि चलो हल्का सा कपड़ा पहन लेती हूँ, कॉटन का है, और मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी और मेरे बच्चे भी नहीं परेशान होंगे, क्योंकि मैं उसे हमेशा गोदी में ली रहती हूँ ना, तो अगर उसने मेरे कपड़े में नग वगैरह जड़े रहेंगे तो अभी कुछ चुभेगा, तो इसलिए मैंने जो है नॉर्मली कपड़ा ही पहनती हूँ। और काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, वो उन्हें खुद समझना चाहिए कि भाभी आप ठीक है, अच्छे कपड़े पहन रही हो, जो आपको आराम फील हो वही पहनो, क्योंकि बाबू छोटा है तो दिक्कत होती है। तो अगर मैं भारी कपड़े पहनूँगी, हैवी वाले पहनूँगी, तो भी आप लोग कमेंट करोगे कि भाभी आप तो बाबू बहुत छोटे हैं और इतनी हैवी पहन ली हो, कैसे जो है संभाल रही हो। क्योंकि जब मैं अपने मायके आ रही थी तो मैंने हैवी साड़ी पहनी थी, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट भी किए थे कि भाभी आप इतनी हैवी साड़ी पहन के जा रही हो, वो भी मायके, आपको नॉर्मल साड़ी पहनना चाहिए था, इतना हैवी साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है। तो बताओ दोस्तों, मैं क्या करूँ, मैं तो सिर्फ एक घंटे के लिए इतनी हैवी साड़ी पहनी थी, उसमें मैं परेशान हो गई थी। और अब बताओ, अगर सारा दिन जो है हैवी कपड़े पहनोगे तो आप कितना परेशान होगे ना, सच में यार। जब मैं आपकी मन की करूं तो भी बुराई, अपने मन की करूं तो भी बुराई, तो मैं क्या करूं। चलो कोई नहीं, आप मेरी फैमिली के हो, जो आपको सही लगता है वो आप लोग मुझे बताते हो, मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे बताते हो, और जब आप मेरी तारीफ़ भी करते हो तो भी अच्छा लगता है, मेरी बुराई भी करते तो भी अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ना कि मेरे अंदर कोई कमी है, तभी तो अगला इंसान मुझे बता रहा है ना, है कि नहीं। अगर मेरे अंदर कमी नहीं होती तो आप लोग बताते नहीं, तो क्या करें। ये देखो,
ग्रीन ग्रीन सच में ये सारी चीज़ें देखे ना गाना याद आने लगता है। ये गाना है ना बरसात का मौसम ऐसे कुछ है, मैं भूल गई। अभी मुझे याद था तो मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं लेकिन मैं भूल गई। तो दोस्तों बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई है, चलो आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अपनी भाभी का सामान जो हमारी मम्मी जी शादी में भेजने वाली है। ठीक है चलो देख लो कि नई दुल्हन के लिए क्या क्या जा रहा है। तो दोस्तों चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ, यही सारा सामान है जो हमारी भाभी को जाएगा यानी हमारे मम्मी पापा लेके जा रहे हैं शादी में अपनी बहू के लिए। तो यहाँ पे देखो सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं, सबको मम्मी ने बुलाया है। शादी में जाने से पहले जितने भी जो है नई दुल्हन के लिए सामान आता है सबसे पहले पूरे घर वालों को दिखाया जाता है कि शादी में क्या क्या जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जा रही है, जेवर में क्या है, फिर कपड़े में क्या है, ये सारी चीज़ें जो है दिखाया जाता है सभी को। सब लोग देख लेते हैं फिर उसके बाद जो है पैक होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे फूफा जी बैठे हुए हैं और मेरे पापा हैं, बुआ लोग हैं, मम्मी हैं, मौसी हैं, जीजा जी हैं, दीदी हैं, मतलब जितने लोग हैं, जितने लोग शादी में आए हुए हैं सारे लोग हैं। तो सब लोगों को जो है दिखाया जा रहा है बारी बारी से, जब सब लोग देख लेंगे उसके बाद जो है सारे सामान को पैक कर दिया जाएगा और पैक करने के बाद जो है गाड़ी में रख दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने वाला है एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना। अगर मिस कर दोगे तो हमारी भाभी का सामान देखोगे कैसे जो मेरे मम्मी पापा लेके जा रहे हैं। चलो मैं आपको बारी बारी से दिखाती हूँ। तो मेरे मम्मी जो है 11 साड़ी जो है अपनी बहू के लिए लेके जा रही हैं। तो चलो आप लोग भी ध्यान से देखो, फर्स्ट साड़ी ए है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है ये लास्ट साड़ी है और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ जेवर यानी गहने में मेरी मम्मी जी क्या लेके जा रही हैं। सात चीज़ें लेके जाएंगी। तो चलो मैं आप लोगों को बारी बारी से दिखाती हूँ, इन सारे सामान को जो है पैक कर देते हैं फिर आप लोगों को लेके चलते हैं जेवर की तरफ। ठीक है तो यहाँ पर देखो हमारी मम्मी जी ने गर्दन, अंगूठी, मंगलसूत्र, छागर और हार, और हमारे यहाँ का रिवाज है एक जो है ताक पाठ बोला जाता है उसको लेकर जो है सात थान बोलते हैं। तो सात चीज़ें जो है हमारी भाभी को जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान से देखिए, मैंने मान टीका बताया कि नहीं। चलो दिखा देते हैं, देख लो।
लोगों ने मेरी भाभी का सामान देखा ना, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और चलो मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। बहुत ही जल्दी आराध्या आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगी एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।